बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख के क्या जॉब करोगे, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने केवल बेसिक कंप्यूटर सीखा है और अगर आपको जॉब की तलाश है तो किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन डांगी और आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो ज़रा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। नंबर वन, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब, जैसे कि फाइलों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित रखना, कंपनी को कोई ईमेल्स आते हैं कस्टमर के तो उनको जवाब देना, या फिर एमएस ऑफिस के अंदर डेटा एंट्री करना, एक्सेल के अंदर एंट्री करना, एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ें लिखना, लेटर लिखना, ये सारी चीज़ें बेसिक कंप्यूटर जो सीखे हुए होते हैं उनको इसी तरह की जॉब मिलती है, ऑफिस असिस्टेंट की। नंबर दो, अगर किसी को लगता है कि ऑफिस असिस्टेंट की जॉब नहीं मिल रही है तो फिर वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिलती है, जिसमें कंपनी का कोई बहुत सारा कस्टमर की डिटेल्स होती है या फिर कोई डेटा होता है जिसको आपको एंटर करने का जॉब मिलता है। बैठे बैठे आपको दिन भर में क्या करना है, कोई फिजिकल पेपर पे कोई आपको रिपोर्ट मिली है तो उसको ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे चढ़ाना, उनकी वेबसाइट, उनके वेब सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सारी एंट्री चढ़ानी होती है। एक तरीके से ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है जो बेसिक कंप्यूटर सीखे हुए होते हैं उनको मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, आपने केवल बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखा है, अगर आप इससे कुछ अच्छी एडवांस स्किल सीख लेते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हो जाती है। तो मैं 2D एनिमेशन का कोर्स भी करवाता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो 2D एनिमेशन सीखने के बाद में आप YouTube चैनल बना सकते हो, वो नहीं चलता है तो फिर आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन आप कर सकते हो, असेट्स बना सकते हो, ये बहुत सारे काम हैं, एनिमेटर की जॉब कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके से एनिमेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि आप सीखने के बाद में कर सकते हो। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके डेमो देख सकते हो, कैसा पढ़ाता हूँ, क्या सिखाऊंगा, सारी जानकारी प्राप्त कर लो। और आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप होना ज़रूरी है, कोर्स के अंदर केवल रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, यानी कि देखकर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और वापस आ गए कि मुझे कोर्स समझ में नहीं आया, तो वो समझ में वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो बिना प्रैक्टिस के कोई भी ऐसी कंप्यूटर स्किल्स आप नहीं सीख सकते हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर तीन, और इस जॉब को तो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, एक कॉल सेंटर की तरह काम है। मान लो एक कस्टमर है जो कंपनी को कॉल करता है तो आपको फ़ोन उठाना है, वहाँ पे कंपनी की डिटेल्स देनी है, सपोर्ट देना है, क्लाइंट के साथ में बात करनी है। ये वो बड़ी क्लाइंट वाली बात नहीं होगी, ये कस्टमर वाली बात होगी, जिसको कोई समस्या है तो उसको सुनना, उसको लिखना, आगे कंपनी तक पहुँचाना, ये काम होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, तो ये जॉब मिलती है, इसकी अर्निंग जो है, इनकम सैलरी बोल सकते हो, ये 10 से 15,000 के बीच में होती है, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं देगा कोई भी, क्योंकि कॉल सेंटर की जैसी काम है ये। फ्रीलांस वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई बड़ा ऑफिस है तो उसकी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना, ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ये काम होता है फ्रीलांस वर्क के अंदर। क्योंकि कंटेंट राइटिंग आप कर ही सकते हो, बेसिक कंप्यूटर सीखे हो, टाइपिंग करना आपको आता है तो बैठे बैठे ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो वेबसाइट के लिए, ये काम होता है जो कि बेसिक तौर पर आता है। 10 से 12,000 की इसमें सैलरी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी आपको कोई नहीं देगा। अगर आप एडवांस काम करते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कोई कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी पर रख सकती है, लेकिन फिलहाल तो बेसिक कंप्यूटर सीखे हैं तो आपको यही वर्क मिल सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट, जिसमें आप कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करोगे, कोई पोस्ट डालनी है, कोई वहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखना है, कोई फेस्टिवल आ गया तो उसके ऊपर पोस्ट डाल देनी है, एनालिटिक्स का काम करना है, ये बेसिक कंप्यूटर सीख के आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये तो आजकल सभी चला लेते हैं, तो इतना सा नॉलेज आपको भी है तो कंपनी में बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो। सैलरी इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगी, 10 से 12 के बीच में ही इसकी सैलरी होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। नमस्कार।